मध्य निषेध दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने शराब पीने पिलाने के नफा नुकसान के साथ सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया। नीतीश के बयानों पर पहले जरा गौर फरमाइए। सरकार है इसके खिलाफ है, शराब खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि दो नंबर से न बिके, बिकना है तो एक नंबर से बिके ताकि खजाने में पैसा आवे और उस पैसे से कुछ हम काम कर सकें। अगर ये खजाने में पैसा आया तभी तो लड़कियों के लिए साइकिल की स्कीम की शुरुआत की। ये बड़ा इस सरकार शराब पिला रही, समझे शराब पिला रही हमारी सरकार। अब पहले क्या कर रहे थे, तो पीने वाले लोगों को अब वैध दुकानों से शराब मिल रही है तो टैक्स कुछ सरकार के खजाने में आ रहा, पहले नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, किसी न किसी के तो पॉकेट में जा रहा था। तो पहले वाले लोग बता दें कि किनके पॉकेट में जा रहा था, वो ना बताएंगे कितने लोगों को करोड़पति और अरबपति लोग बना रहे थे। ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट का धंधा था, ये किनका धंधा था? और जब दो नंबर का पैसा आएगा तो दो नंबर का पैसा तो अपराध में जाता है। किस पैसे से एक ही 47 खरीदा था? कोई वैध कमाई के पैसे से एक 47 खरीदाता है कि दो नंबर की कमाई से खरीदाता है? इसलिए तो इतना हम उसके खिलाफ है क्राइम कि जितना और संभव हो उतना और इसमें टैक्स बढ़ाइए, इतना टैक्स बढ़ाते जाइए कि लोगों को लगे कि भाई ये पीना अब मुश्किल होने जा रहा है, ऐसा धीरे धीरे करते करते करते। तो ये सब तरीका, ये भी मध्य निषेध का तरीका। नीतीश के पूरी तरह से शराबबंदी नहीं कराने के पीछे की वजह आपने सुन ली, अब जरा विभागीय मंत्री का बयान भी सुनिए। इनकी नजर में शराबबंदी मौलिक अधिकारों का हनन है। आदमी दूध पिए, शराब पिए, डिस्टिल वाटर पिए, बोतल वाटर पिए या रॉ वाटर पिए, आदमी के निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करना मौलिक अधिकारों का हनन है। गुजरात, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पूरी तरह बैन है। अब सूबे के मुखिया और मंत्री के इस बयान पर सहयोगी बीजेपी को ही आपत्ति है। बीजेपी कोटे के एक मंत्री ही इससे असहमति जताते हुए कहते हैं कि अगर नीति दुरुस्त हो तो कोई समस्या नहीं होगी। निषेध कर देने से पूर्ण से इससे अपराध बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये दोनों विरोधास्पद बात है कि ये जरूरत है इस पर और गंभीरता से विचार कर। सरकार के बयान और आरोप से बौखलाए विपक्ष का जवाब भी सुनिए। नीतीश श्वेत पत्र जारी करें। नीतीश शराब पर बैन नहीं लगा सकते क्योंकि डर है माफियाओं से कि कहीं वो सरकार ना गिरा दें। नीतीश सरकार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 2007-2008 में बयान दिया था बोतल पर सरकारी होलोग्राम लगाने का। नीतीश बताएं कि कौन माफिया होलोग्राम नहीं लगाने दे रहा है। नीतीश कुमार ने अवैध को वैध किया है। यह डर जिसको सताएगा कि शराब माफिया मेरी राज को उखाड़ फेंकेगा, वो मद निषेध के बारे में कोई चीज नहीं बोल सकता। पहले आप तो गांव-गांव शराब की दुकान खुलवा दिए, अवैध को वैध कर दिए। अब तक गुंडे बदमाश जो है अवैध शराब बेचते थे, अब उसको वैध करके सरकार बेचने लगी। और जब आप खुद कहते रहे कि साहब अवैध बिक्री हो रहा है, सरकार मान रही है, और उससे बचने के लिए जो है हम जो है ये कार्रवाई होलोग्राम का स्टिकर लगाएंगे, क्यों नहीं लगा अब तक? उनको चाहिए कि एक श्वेत पत्र जारी करें, इस पे डिटेल जानकारी हासिल करके श्वेत पत्र जारी करें। नीतीश का दावा है कि जब 2005 में उनकी सरकार बनी तब शराब से 319 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति होती थी, जो आज बढ़कर 2045 करोड़ हो गई है। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री सचिवालय की बत्ती गुल हो गई, लेकिन नीतीश शराब पर अपनी उपलब्धि का बखान करते रहे। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ सर्वेश कुमार सिंह, आर्यन न्यूज, पटना। ऐसा देखने को मिला है
कि अत्यधिक शराब पीने वालों की